हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नियत और होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है दो मेनलाइन आईपीओ की फाइनल डेट, यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन एंड फर्स्ट क्राई आईपीओ की। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाले दो आईपीओ की लिस्टिंग, सीगल इंडिया मेनलाइन आईपीओ एंड दारीवाल कॉर्प एसएमई आईपीओ, तो दोनों में क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटजी, उस पॉइंट को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो वहां पर डीआईआई ने 3800 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआईआई ने 3300 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर ऑलमोस्ट फ्लैट है, 400 करोड़ की साइड का हमें पॉजिटिव साइड में फिगर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात कर लेते हैं आईपीओ की, सबसे पहले तो अगर हम दोनों आईपीओ की एंकर लिस्ट की बात करते तो अच्छी एंकर लिस्ट हमें दोनों में देखने को मिली है। स्पेशली फर्स्ट क्राई में आईपीओ में तो हमें काफी अच्छी एंकर लिस्ट देखने को मिली है। अगर हम बात करते हैं दोनों आईपीओ की, तो यहाँ पर जो दोनों आईपीओ की अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो ऑब्वियसली यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन फर्स्ट रैंकिंग पर आने वाला है, सेकंड रैंकिंग पर आने वाला है फर्स्ट क्राई। बिकॉज क्योंकि यूनिक कॉमर्स हमारे पास एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होने वाली है, हाउएवर फर्स्ट क्राई हमारे पास लॉस मेकिंग कंपनी होने वाली है। तो यहाँ पर हमें दोनों आईपीओ की रैंकिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर हम दोनों आईपीओ के जीएमपी की बात कर लेते तो यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन का जीएमपी काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, 46% के करीब का, वहीं पर फर्स्ट क्राई का देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 4.5% के करीब का। तो ऑन द फेस ऑफ टूडे हमें यूनिक कॉमर्स आईपीओ फंडामेंटली फाइनेंशियली डिमांड के बेसिस पर अच्छा देखने को मिल रहा है। हाउएवर एंकर लिस्ट के बेस पर देखते तो फर्स्ट क्राई हमें ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं दोनों आईपीओ में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ को मैं अप्लाई तो करने वाला हूं रिटेल में या एचएनआई में। अगर मुझे क्वालिफाइड में ऑलमोस्ट 100x की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है तो मैं इसे रिटेल में कैटेगरी में अप्लाई कर दूंगा। बट ऑलमोस्ट 150x के ऊपर की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है जिसकी उम्मीद है तो वहां पर मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर दूंगा। बट इतना हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि मार्केट में हवी भी वोलेटिलिटी होने वाली है। अभी तक मार्केट का हमें प्रॉपर सिनेरियो क्लियर नहीं हुआ है कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी हो चुका है या नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक इंपोर्टेंट लेवल्स ऊपर की साइड क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें मार्केट में थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। तो उस वजह से हल्का सा जहां पर मॉडरेटली अग्रेसिव होकर मैं इस आईपीओ में अपना डिसीजन बना चुका हूं। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों को एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्राई आईपीओ में, बीइंग ए डिफेंसिव होकर मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला था। बट अगर मैं बात करूं बीइंग ए अग्रेसिव होकर, वहां पर अगर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 15x और एचएनए की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 20x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है तब मैं वहां पर जाकर इसे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने का प्रोग्राम कर सकता था। बट बेस्ड ऑन माई रिस्क एपेटाइट मैं इस आईपीओ को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। बट ये इन दोनों आईपीओ में मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया है। आप लोगों का क्या रहने वाला है डिसीजन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं जिन आईपीओ की कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग, सीगल इंडिया मेनलाइन आईपीओ और दारीवाल कॉर्प एसएमई आईपीओ। पर्सनली मैंने सीगल अप्लाई किया था और मुझे ये आईपीओ अलॉट भी हुआ है, दारीवाल को मैंने अप्लाई नहीं किया था। बट अगर मैं एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मैं इमीडिएट इसे बुक करने की कोशिश करता, वहां पर फिर मैं वेट नहीं करता कि कहां पर ये आईपीओ जा रहा है, कहां आधा रह रहा है या डबल हो रहा है ट्रिपल हो रहा है। मेरा काम था लिस्टिंग लेना, मैंने लिया, बात खत्म हुई, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक। क्योंकि जनरली हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। अपर सर्किट में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, मजे ही मजे आते हैं। बट लोअर सर्किट लग गया तो वहां पर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं और हमारा इजीली वहां से एग्जिट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मैं सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूं। और वहां पर ये मेरा एसएमई आईपीओ में रूल बना हुआ है कि मैं इमीडिएट वहां पर निकलने की कोशिश करता हूं। हाउएवर आप लोग अपने रूल्स खुद बनाइएगा अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग। और उसी के साथ अगर मैं सीगल इंडिया में अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, अगर ये आईपीओ ऑलमोस्ट 10-15% की रेंज में खुल जाता है या उससे ज्यादा खुल जाता है तो वहां पर तो मैं ऑलमोस्ट 70% क्वांटिटी को 60-70% क्वांटिटी को बुक करके इमीडिएट बेसिस पर बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी को पहले 15 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। ये मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है। अगर ये उससे भी कम में खुलता है या डिस्काउंट में खुलता है तो वहां पर फिर मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा और वहां पर मैं इमीडिएट बुक कर दूंगा अपना पूरा का पूरा लोड। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता वो आईपीओ वहां से कैसे भाग रहा है। अगर हमने याद हो कि अभी कुछ टाइम पहले एकम ड्रग्स आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी
एक छोटे से 7% के लिस्टिंग गेन पर वहां पर हमें लिस्टिंग देखने को मिली, बट वहां से वो ऊपर की साइड 10-15% और आ चुका था। बट मैंने ठीक है अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और वहां पर उसे इमीडिएट बुक करते हुए वहां से एग्जिट हो चुका था, क्योंकि यहां पर हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है और आपको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप हमेशा से कौन सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हो, उसके बेस पर अपना काम कीजिएगा। मैंने आप लोगों के साथ अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है ताकि आपको अपनी रूल्स बनाने में हेल्प मिल जाए। बट बाय द वे किन किन लोगों को कौन कौन सा आईपी अलॉट हुआ है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहाँ आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो हमारी नॉर्मली बात होती 24,350 के लेवल की, जहां पर हमें मौका मिला और वहां से हमें एक छोटी सी ट्रेड मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। एक ही ट्रेड हमें हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग देखने को मिली है और उसके अलावा हमें वहां पर कोई भी ट्रेड देखने को नहीं मिली है। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो पिछले 3 दिनों से ना मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंस चुका है। जब मार्केट का ये रेंज टूटने का टाइम आ चुका है कि कल टूट सकती है, क्योंकि कल होने वाली है एक्सपायरी, तो कल के बाद अगर हम कहें कि फ्राइडे को जहां पर किसी भी साइड अगर रेंज टूटती है तो वहां पर हमें उस साइड की एक अच्छी मूव भी देखने को मिल सकती है। बट क्योंकि कल के दिन होने वाली एक्सपायरी, तो हो सकता है वहां पर प्रीमियम ईटिंग डे भी रह जाए। बट अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो अभी भी जो हमारे रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है और सस्टेन करती है एटलीस्ट आधा घंटा, तो वहां पर हमें ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। सिमिलरली नीचे की साइड की अभी भी हमारे पास यही मेजर सपोर्ट रहने वाली है। इमीडिएट बेसिस पर 24,100 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर मार्केट अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को तोड़कर या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड सस्टेन करता है, तो हमें वहां पर हमारी सपोर्ट को रेजिस्टेंस में और रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरीके से देखना पड़ेगा। बट अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। बट अगर हम कल की एक्सपायरी में काम कर रहे हैं तो हमें हमारे प्रीमियम के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि एक्सपायरी में वहां पर मार्केट छोटी सी रेंज में घूमती रहती है और वहां पर प्रीमियम ईटिंग डे के काफी ज्यादा लग जाता है। अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर रहे हैं तो हमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मारना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है प्रीमियम डीके में। एनीवे पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूं, बट हमने यहां पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। बट फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।